तो दोस्तों रूट मोबाइल के बारे में आज एक अपडेट है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रूट मोबाइल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपडेट ये है कि यहाँ पे जो रूट मोबाइल के प्रमोटर्स थे वो यहाँ पर अपने बिजनेस को पूरी तरीके से एग्जिट करने वाले हैं और उनके अगर हम अभी स्टेक की अगर हम बात करेंगे तो उनका अराउंड 57.56% का स्टेक उनका भी उनकी खुद की कंपनी में है और ये वो स्टेक अपना प्रॉक्सिमस ओपाल ग्रुप को यहाँ पे सेल करने वाले हैं। और इसके अगर हम प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 1626.40 के ऊपर यहाँ पे वो अपने शेयर को यहाँ पे सेल करने वाले हैं। अब यहाँ पे वो क्यों सेल कर रहे हैं, देखिए उनका कोई रीजन होगा मेरे ख्याल से, और मेरे ख्याल से उनको या फिर इसको ये सेल करके उनको कोई नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना होगा, उनको यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ पर अगर उनको एक प्रोस्पेक्टिव बायर यहाँ पर मिल गया होगा तो इसलिए वो यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ ओपन ऑफर वगैरह भी यहाँ पे रह सकते हैं, यानी कि जो कंपनी है या फिर जो बचा हुआ 43% जो पब्लिक के पास है वो शायद से डीलिस वगैरह भी यहाँ पे हो सकता है, यानी कि ये जो प्रॉक्सिमस ओपाल ग्रुप करके जो बायर है ये सारे पब्लिक से शेयर भी ले सकते हैं या फिर उसके अलावा ये नॉर्मली जिस तरीके से अभी ये कंपनी ट्रेड हो रही है तो वैसे ये कंपनी ट्रेड होगी, लेकिन ये जो स्टेक बाय करेंगे तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट वगैरह होगी वो इनके हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली किसी और को सेल क्यों कर रही है, यहाँ पे ये ओपन मार्केट में भी तो ये कंपनी सेल कर सकती थी, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर सकते थे, लेकिन देखिए इतना बड़ा अगर आप देखोगे 57% अगर यहाँ पे प्रमोटर अपना स्टेक यहाँ पे मार्केट में सेल करने आएंगे तो वहाँ पे अराउंड 20-30% का प्राइस करेक्शन हमें आराम से होता हुआ नजर आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे कंपनी यहाँ पे जो इनका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था यानी कि अराउंड फ्राइडे के लगभग अगर हम देखेंगे तो ये क्लोजिंग कंपनी की थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कंपनी अपने शेयर्स को बेचने का यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे निर्णय लिया है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए एज अ होल अगर हम देखेंगे तो बिजनेस हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है, एक डबल डिजिट में ये कंपनी ग्रो हो रही है, लेकिन देखिए यहाँ पर अगर ये जो कंपनी है जो प्रॉक्सिमस ओपाल ग्रुप करके ये जो कंपनी को बाय कर रहे हैं यानी कि मैनेजमेंट से खरीद रहे हैं, अगर वो बाई चांस बाद में उनका जो 43% के जो बाकी के शेयर होल्डर्स है यानी कि जो नॉर्मल पब्लिक यहाँ पे जो शेयर होल्डर है तो उनके साथ में वो कुछ नेगेटिव यहाँ पे ना कर ले, क्योंकि तो अगर उनको अगर कंपनी डिलीज करवानी होती है वो बोलते हैं कि हम इससे ज़्यादा आपको प्राइस नहीं देंगे, तो वहाँ पर आपका थोड़ा नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे आ सकता है, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो इग्नोर करना चाहिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप इसके शेयर होल्डर जो मेरे ख्याल से आपने सेल करके कोई दूसरी कंपनी लेनी चाहिए जहाँ पर आपको कुछ पता रहता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से ये प्रमोटर्स जो अभी जो नए प्रमोटर्स ये कंपनी के बनने वाले हैं बाकी के शेयर होल्डर्स के साथ यहाँ पे क्या करने वाले उसका इंडिकेशन मुझे यहां मालूम नहीं है, तो उसके हिसाब से आपने यहां पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।